हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 के 14 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम 15 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। लेट अस बिगिन एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी बुक स्टेट लाइंस चैप्टर। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन The perpendicular from the origin to a line meets it at a point -2,9. Find equation of line. Perpendicular drawn from the origin to line. तो बच्चों, perpendicular drawn from the origin to a line meets it at a point this. चलो हम रफ सा आपको इसका स्केच बना देते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है जिसे आप ओ से डिनोट करते हो। तो बच्चों मान लो कि एक्स की वैल्यू -2 और वाई की 9। सपोज कर लो अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट है एक्स -2 वाई 9। रफली मैंने बता दिया कि ये पॉइंट है। तो ओरिजिन से आपने एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर फेंका, ठीक है, जो ये देखो इस ऐसे बनेगी फिगर। कुछ आपने ओरिजिन से एक लाइन पे परपेंडिकुलर फेंका बच्चों, जो उस लाइन को -2,9 पे मीट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट का नाम है कुछ भी लगा एल व्हाटएवर। बच्चों ओरिजिन से आपने एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर फेंका, सपोज करो 9 का नाम है एल, और वो परपेंडिकुलर उस लाइन को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है -2,9, उस पॉइंट का नाम एल रख दिया हमने। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों गिवन क्या है, सिंस लाइन एल किससे पास कर रही है -2,9, क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,9, तो लाइन अगर इस पॉइंट से पास कर रही है, तो अगर कोई भी लाइन एक पॉइंट से पास कर सकती है, पास कर रही है, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग 1.4। वो क्या थी याद है सबको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एल बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो पॉइंट कौन है, x1 इज -2, y1 इज 9। y1 की वैल्यू पुट की, m क्या है स्लोप ऑफ लाइन, x1 की वैल्यू -2 है, तो बच्चों इसको स्टोर कर लिया। तो हमारी लाइन की इक्वेशन ये है, अगर हमें m मतलब इस लाइन की स्लोप मिल गई तो हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों क्लियरली स्लोप ऑफ लाइन OP इज इक्वल टू OP OL OL है यहां पर मैंने इसका नाम एल दिया है, तो स्लोप ऑफ OL। तो बच्चों अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसकी स्लोप बता सकते हैं y2 - y1 over x2 - x1। तो OL की स्लोप ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो y2 - y1 x1 y1 x2 y2। तो दोनों के y माइनस कर दिए, दोनों के x माइनस कर दिए। बच्चों देखिए स्लोप ऑफ लाइन OL मिल गई। अगेन आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका इस लाइन पे, तो ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो OL इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा -1। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो बच्चों इसकी स्लोप हमें पता है, मान लो इसका नाम M1 है, तो हम M2 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9। तो मान लो इसकी स्लोप M2 है तो वो 2/9 आ गई। तो आपने लास्ट में लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मान लो मैंने इसका नाम M2 रख दिया, तो M2 की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y -9
एम टू की वैल्यू 2/9 एक्स प्लस 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9y हाँ जी माइनस 81 2x प्लस 4 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0, दिस इज आंसर वंस मोर। तो हमने इक्वेशन निकाली है इस लाइन की, हमें गिवन है ओरिजिन से आपने इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर फेंका वो उस परपेंडिकुलर को माइनस 2.9 पे मीट कर रहा है, उस पॉइंट का नाम हमने एल रख दिया। तो बच्चों सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका इस लाइन पे और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो वो उस लाइन को माइनस 2.9 पे मीट कर रहा है, इसका मतलब है माइनस 2.9 उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, आप ऐसे भी कह सकते हो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि लाइन सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उसका एक पॉइंट ये है, अगर लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो हम वन पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है y माइनस y1, आप स्लोप लिखते हो ना m लिख दो m1, मैंने जानबूझ के m2 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो स्लोप की जगह, मैंने m2 लिख दिया, और मेरे को ये x1 पता है ये y1 पता है, तो मेरा आंसर कब मिलेगा जब मेरे को m2 मिल जाएगा, m2 कौन है इस लाइन की स्लोप, मैंने इस लाइन की स्लोप को नाम m1 दे दिया, तो अगर लाइन इस लाइन के ऊपर ol के ऊपर दो पॉइंट नजर आ रहे हैं 0 0 -2 नहीं, ये x1 y1 ये x2 y2, और किसी लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप कैसे निकलती है y2 minus y1 over x2 minus x1, तो बच्चों ये m1 आ गया, मान लो ये m1, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, m1 की वैल्यू पुट की m2 मिल गया, m2 आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर समझ लगे आपको बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है द लेंथ एल इन सेंटीमीटर्स ऑफ अ कॉपर रोड, ऑफ अ कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन। बच्चों एक तो आपको यहां पे फंक्शन वर्ड नया मिला, हम आगे फिर से बता चुके हैं तो फिर से बताएंगे, ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इक्वल 124.942 व्हेन सी इक्वल 20 एंड L equal to 125.134 when C equal to 110. Express L in terms of C. तो बच्चों normally function की हम कब बात करते हैं? देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ Y in terms of X, हम बोलेंगे Y is a function of X. Y को हमने एक्सप्रेस किया, लिखा इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे बहुत सारे कौन सकते हैं वाई इक्वल टू 5x प्लस 9 कुछ भी, तो वाई इज रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स, इधर वाई है इधर एक्स की टर्म्स है, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये लीनियर है, क्यों लीनियर है, क्योंकि यहां पे एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है और वाई की हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो वाई इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में हमें एल को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सी, तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है, एल मतलब एल इन टर्म्स ऑफ सी, एक्स का काम कौन कर रहा है सी और वाई का काम कौन कर रहा है सेव एल, हमें एल को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सी, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा आंसर हमें दिखाना है। ओके सो बच्चों हमें ऐसी इक्वेशन दिखानी है, तो गिवन है देखिए नॉर्मली जो एक्स होता है हम ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ एक्स की वैल्यू लेते हैं और वाई एक्सिस की तरफ वाई की वैल्यू लेते हैं, पर हमारे क्वेश्चन की डिमांड है आप ऐसे करो इधर सी लो और इधर एल की वैल्यू लो, आई होप क्लियर है सबको। तो गिवन है कि अगर एल
124.942 लेते हो, जब c की वैल्यू 20 है, अगर c की वैल्यू मान लो यहां पे कुछ 20 है, तो l की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमें गिवन है 124.942। क्लियर हो गया आपको? अगर आप c इधर ले रहे हो c, ठीक है, ये c की वैल्यूज है और ये l की वैल्यूज है। अगर c क्वेश्चन में गिवन है 20 है, तो l कितना लेना है आपने, मान लो ये ऐसा कुछ है, तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा, 20.124। आई होप समझ लग रही है सबको। अगर x 20 है तो y ये है, तो पॉइंट ऐसे बनता है। अगर c 20 है, l 124.942 है, तो ये पॉइंट कुछ ऐसे बन जाएगा। इन द सेम वे उसने गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप c को 110 लेते हो, तो l आपको गिवन ही है। मान लो अंदाजे से, सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए पूछो, अगर c की वैल्यू ये ले रहे हो, तो आपके पास l की वैल्यू गिवन है ऐसे। ये एक लाइन बन गई, इनको ज्वाइन किया, क्योंकि पॉइंट्स को ज्वाइन कर, मान लो ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये बच्चों लाइन बन गई। हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने इक्वेशन बनानी है l की इन टर्म्स ऑफ c, तो बच्चों क्या हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज 2 पॉइंट फॉर्म, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करे, हाँ जी बच्चों याद है सबको, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी, याद करो क्या थी बच्चों, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। लेकिन y का काम कौन कर रहा है, l, y एक्सिस की तरफ l है, y का काम l कर रहा है, और बच्चों x का काम कौन कर रहा है, y का काम l कर रहा है, और x का काम c कर रहा है। तो ये x1 y1 गिवन 1 पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2.4, तो क्या आएगी, y की जगह पे l की वैल्यू आ गई, y1 की जगह पे बच्चों 124.942 इक्वल टू y2 माइनस y1, समझ रहे सबको, तो y2 बोले 124.134 माइनस y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है 124.942, ठीक है, x1 y1 x2 y2 ओवर x2 माइनस x1 110 माइनस 20 इनटू x माइनस x1, x का काम हम बता चुके हैं c कर रहा है, x1 की वैल्यू कितनी है 20। देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने l और c में इक्वेशन तैयार कर ली, तो देखिए अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, l माइनस 124.942, तो बच्चों इनको माइनस करेंगे, देखिए 125.134 माइनस 124.942, ये 2, 30 में से 4 गए 9, 10 में से 9 गए 1, ठीक है बच्चों 0 0.192 आ गया। इसको कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज, वैसे करेक्ट है, इनको माइनस किया तो ये आपका 90 आ गया, c माइनस 20। आई होप क्लियर सबको बच्चों, तो देखिए l माइनस 124.942, तो बच्चों 0.192 है, इसको आप लिख सकते हैं, ओवर पॉइंट को उठाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, तो 1000 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे 90,000 बन जाएगा c माइनस 20। क्लियर सबको, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो जितना मर्जी करो, वो आपकी मर्जी है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो हमने l को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ c, लिखिए ऐसे, तो ये आ गया l, ये कटिंग करनी है तो कर दो, आपकी मर्जी है। अब यहां भी सपोज करो कोई बच्चा कहता है सर ऐसे करो, हमें सिंपली क्वेश्चन की डिमांड क्या है ना, आपने l को लिखना है इन टर्म्स ऑफ c, तो ऐसे करो आप ये माइनस वाला उधर ले जाओ, 0.192 ओवर 90 c माइनस 20 प्लस ये माइनस वाली टर्म उधर ले जाओ 124.942। तो बच्चों l जैसे y इन टर्म्स ऑफ x था है ना, इधर x की टर्म्स थी, तो अब l को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ c, तो ये क्या है l और c में रिलेशन बन गया, इधर l है तो इधर c की टर्म है, आप यहां भी छोड़ सकते हो, समझ आया सबको, ओके।
तो आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ब्रैकेट को खोल दो, नहीं तो आप यहां भी लिख सकते हो कि दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एल एंड सी। इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। समझ लगी सबको बच्चों? काफी इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सेम है बच्चों जैसा अभी क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 17, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 लीटर्स। हाँ जी बच्चों, 40 पर लीटर। तो ओनर ऑफ द मिल्क स्टोर ने कहा कि वो 980 लीटर्स दूध हर वीक बेच सकता है अगर वो 1 लीटर 14 रुपए का बेचता है, 14 लीटर रुपीज 40 पर लीटर। हाँ जी बच्चों, तो अगर 40 पर लीटर के हिसाब से चले तो 980 लीटर वो दूध एक हफ्ते का बेच सकता है। इसी तरह से उसने बोला एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक, मिल्क ईच वीक एट रुपीज 16 पर लीटर। अगर वो 16 रुपए के हिसाब से चलता है तो एक हफ्ते में इतना दूध वो बेच सकता है, उसका ये एस्टिमेशन है। ठीक है, उसे पता लगा कि ये उसकी, ठीक है बच्चों, मतलब सेम है उसकी। तो क्वेश्चन है, assuming, suppose कर लो, a linear relation, linear relationship between selling price, क्योंकि वो selling price given है और साथ में demand की बात कर रहे हैं। अगर 14, अगर बच्चों demand इतने दूध की है तो उसकी selling price अगर एक हफ्ते की उसकी 980 लीटर दूध की डिमांड है तो उसका सेलिंग प्राइस जो है दूध का एक लीटर के पीछे 14 रुपए ले रहा है। अगर सपोज कर लो उसकी डिमांड बढ़ गई एक हफ्ते की इतनी बढ़ गई कि वो कहता है कि हमें दूध ज्यादा चाहिए, तो उसने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी 16 रुपए पर लीटर। समझ लगी सबको? तो ये क्वेश्चन में गिवन है, इनमें जो रिलेशनशिप है वो एक लीनियर है, लीनियर हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली, हाँ जी बच्चों, एट रुपीज 17 पर लीटर्स। तो बच्चों जब रिलेशनशिप बन जाएगा इनमें तो हम ये चीज निकाल लेंगे। जब भी आपका दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप तैयार हो जाता है अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो मान लो, सपोज कर लो, इधर x का ग्राफ है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। सपोज दैट ये जो आपका क्या कहते हैं, ये आपकी सेलिंग प्राइस का ग्राफ x एक्सिस के लोग है और डिमांड की वैल्यू y एक्सिस के लोग है। ओके, सपोज कर लो हमने x एक्सिस की तरफ सेलिंग प्राइस ले लिया और डिमांड y एक्सिस की तरफ ले ली। अगर 14 लीटर के हिसाब से बेचता है तो डिमांड कितनी है, मान लो 980 है, तो ये पॉइंट कितना आया, 14,980। आई होप क्लियर सबको, पीछे भी ऐसे क्वेश्चन कराया। लेकिन अगर 16 के हिसाब से सेलिंग प्राइस करता है तो डिमांड दूध की बढ़ गई तो यहां पे मान लो ये बन गया 1220। सपोज दैट, सिर्फ समझने के लिए, 16,1220, तो बच्चों ये बी पॉइंट है, ये लाइन की इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ये हम सब बता चुके हैं। कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो टू पॉइंट फॉर्म। तो बच्चों वाई वन ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, तो वाई वन कौन है 980, वाई टू कौन है 1220, y1 कौन है 980, x2 कौन है बच्चों 16, x1 कौन है 14।
ये समझ आ गया, काफी इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए ये आ गया y माइनस 980, इनको माइनस करेंगे ये कितना बचा, ये 240 बचा ना बच्चों, 1000 और 200, 240 बचा, 240 बटा 2 मतलब 240 ऊपर 2 नीचे, कटिंग करो 120 बन गया x माइनस 14। तो क्लियरली आपको समझ लगी, देखिए ओपन दी ब्रैकेट्स, तो 14 को 12 से मल्टीप्लाई किया 48, 16 तो माइनस 1680। तो दिस इज वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बच्चों हमने डिमांड को, ठीक है क्वेश्चन में यही था कि ये डिमांड को और सेलिंग प्राइस लीनियर फंक्शन है, देखिए ये वाई इनको माइनस करेंगे कितना आएगा, 1680 में 980 आप माइनस करोगे बच्चों तो कितना बचेगा, 16 में से 9 के साथ 700 माइनस। तो बच्चों y इज इन टर्म्स ऑफ x, तो देखिए डिमांड और सप्लाई, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिमांड, सेलिंग प्राइस को x की तरफ लिया, डिमांड को y, ये लीनियर बन गया क्योंकि एक तरफ y है एक तरफ x है, हाईएस्ट पावर 1 है। तो क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मेनी मीटर कुड ही सेल वीकली एट रुपीज पर लीटर, अगर x की वैल्यू वो दूध प्रति लीटर 17 रुपए कर देता है, अगर आप x को बच्चो 17 लेते हो तो फिर डिमांड दूध की कितनी हो जाएगी, तो आपने लिख रहे हैं देयरफॉर एट, जब x की वैल्यू वो 17 रुपए कर देता है तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसमें आपने x की वैल्यू 17 पुट कर देंगे, समझ आया सबको। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 12 का 84 12 2040 में से 700 माइनस कर देंगे तो 0410 में से 7 गए 31340। तो जैसे ही उसने प्रति लीटर दूध की कीमत 17 रुपए कर दी तो उसकी बच्चों डिमांड दूध की बढ़ गई 1300, डिमांड बढ़ते हुए उसने अपनी दूध की कीमत इंक्रीज कर दी। तो दिस इज द आंसर 1340 रुपीस। ओके समझ आ गई सबको, तो जो एक लेक्चर लगेगा और आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।